नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संकट के बीच करीब चार महीने बाद गुरुवार को दिल्ली कुल्लू के बीच एलायंस एयर की हवाई उड़ान सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली से विमान ने 7 बजे उड़ान भरी थी और 8:35 पर भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे। इस विमान में दिल्ली से 12 यात्री कुल्लू पहुंचे। सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की और उसके बाद पुलिस की टीम ने सभी की डेटा एंट्री भी की। दिल्ली से कुल्लू पहुंचने वाले सभी यात्रियों को सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें कि पहली फ्लाइट से पहुंचे सभी यात्री कुल्लू जिला के स्थायी निवासी हैं, जो दिल्ली से कुल्लू अपने घर लौटे हैं। वहीं भुंतर से वापस कुल्लू से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट से 2 यात्री रवाना हुए। मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं एयरपोर्ट मैनेजर भुंतर एयरपोर्ट रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि भुंतर एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के बाद एलायंस एयर की उड़ान दिल्ली कुल्लू के बीच शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि यह जनता के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली से भुंतर एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा की सुविधा मिली है। हमारी जो कुल्लू मनाली एयरपोर्ट पर जो है लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक 2 की प्रक्रिया चल रही है, उसमें पहली बार जो है आज पहली फ्लाइट जो है दिल्ली से कुल्लू की स्टार्ट हुई है। और दिल्ली से कुल्लू आने वाले पैसेंजर में पैसेंजर की संख्या 12 थी और कुल्लू से दिल्ली जाने वाले अभी 2 ही पैसेंजर थे। और जो भी गाइडलाइंस हैं स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी फॉलो हो रही हैं। सारे नियम कानून यहाँ पर कोरोना से को बचाव के लिए, स्प्रेड से बचाव के लिए हमने यहाँ पर फॉलो कर रखा है। स्टेट अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग काउंटर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा मेडिकल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे उपलब्ध है, तैनात है, जिससे पैसेंजर को क्या करना है, उनके साथ उनको किस हिसाब से उनकी स्क्रीनिंग करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंश्योर की जा रही हैं। बता दें कि प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर ही स्वास्थ्य चेकअप केंद्र स्थापित किया गया है, जहां पर यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और इसके साथ पुलिस की टीम भी तैनात की गई है। शारीरिक दूरी और फेस कवर के साथ यात्रियों के लिए एयरपोर्ट में उचित व्यवस्था की गई है। फ्लाइट सेवा शुरू होने से कुल्लू मनाली में आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि दिल्ली से भुंतर के लिए 5,500 रुपए और भुंतर से दिल्ली के लिए 11,000 रुपए किराया रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।